पूर्व इस्लामिक परंपराओं के साथ ताजिए निकालकर मुस्लिम समाज बंधुओं के द्वारा करबला में शहीद हुए हुसैन साहब को याद किया जा रहा है। खास बात यह है कि सीहोर में मुस्लिम समाज के साथ हिंदू परिवारों के द्वारा भी ताजिए बनाए जाते हैं। यह परंपरा 200 सालों से लगातार जारी है। नारायण दादा खटीक और मनसा राम का ताजिया भी यहां पर अदब के साथ देखा जाता है। इस्लामिक अखाड़ा, मोहम्मदी अखाड़ा सहित अन्य अखाड़ों के द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों पर हैरत अंगेज कर्तव्य भी दिखाए जा रहे हैं। शहर के मछली बाजार, सराय छावनी, कशवा, चकला मोहल्ला सहित अन्य क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से ताजिए बनाए जाते हैं। चकला मोहल्ला चौराहे पर शहर के सभी ताजिए इकट्ठा होते हैं, जिसके बाद यहां से भोपाली फाटक कस्बा होते हुए करबला की ओर बढ़ जाते हैं। मुहर्रम में खासतौर से बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। भोपाली फाटक पर मेले जैसा माहौल है। अखाड़ा खेलने वाले भी हैं और ये तो हमारे ख़ानदानी परंपरा चली आ रही है, सदियों से उठाते हुए हमारे बाप दादा उठाते हुए आ रहे हैं और हम भी उठाते हुए आ रहे हैं। आगे भी आप भी उठाते रहेंगे? आगे भी जी इंशाल्लाह उठाते रहेंगे अखाड़ा। हाँ, वो सहयोग नहीं मिलता जो पहले मिलता था, जगह जगह स्वागत किया जाता था जुलूस का भी और अखाड़े वालों को भी साथ लेके आते थे। अब तो बस ये है कि अकेले अकेले सब अपना अपना रास्ता निकाल लेते हैं, अपना अपना कर सब इधर से अपना इधर से जाएँ, आप इधर से जाओ, अपना अपना निकाल के आ जाते हैं। पहले सबको एक लपेट के साथ आते थे, बिल्कुल एक साथ। ये साहब करीब 2 साल से ये मुहर्रम के त्यौहार नहीं मना कोरोना काल की वजह से। आज पूरे सीहोर की और पूरी जनता की मेहरबानी से, हमारी पूरी प्रशासन की मेहरबानी से आज ये मुहर्रम का त्यौहार मनाया जा रहा है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और सभी का सहयोग मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों का सहयोग मिल रहा है इस त्यौहार के अंदर। कि आज ताजियों का दिन है, ये हमारे अबरार भाई का ताजिया है। ये हर साल इनका ताजिया फर्स्ट नंबर आता है। अभी भी इनका ताजिया 1,40,000 रुपये का ताजिया है ये। और ये जो है, मतलब यहाँ पर जो मोहम्मदी अखाड़ा है, जो ये चकला चौराहे गिलाता है, ये मोहम्मदी अखाड़ा है। ये यहाँ पर ये सारे ताजिए यहाँ आते हैं, इनके पास ये मेहमान बुलाते हैं सारे ताजियों को, सबको। हमारे अजय चाचा, बकोली भाई, नईम भाई, हफीज भाई, ये सारे के सारे मिलके इन सारे शहर के ताजियों को यहाँ बुलवाया जाता है और यहाँ पे स्वागत समारोह होता है इन लोगों की तरफ से। कमेटियों का भी स्वागत होता है, मुस्लिम त्यौहार कमेटी का भी स्वागत होता है। इसके अध्यक्ष रिजवान पठान, मैं इसका संरक्षक हूँ नौशाद खान, ये सेवा यादव है, ये भी हमारे संरक्षक हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का यह पीछे हैगा, ये अपने नारायण दादा का ताजिया। ये मतलब ये सारे ही हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई मिलके इस त्यौहार को बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं। मैं 1969 से मोहम्मदी अखाड़ा का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद इरशाद और इस अखाड़े के उस्ताद मुन्ना भाई और अब्दुल हफीज साहब यहाँ से सीहोर के लिए तमाम प्रोग्रामों के लिए हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं। शहर के अंदर एक अमन व अमान के साथ एक पैगाम भी दिया जाता है, एक मातमी जुलूस भी यहाँ से बनता है। हमारे परंपरा अनुसार यहाँ पे ताजियों लेके आते हैं। मुहर्रम की 10 तारीख को एक ताजी है यहाँ पे, 50 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जो कि नारायण खटीक का है, जो शहर की एकता को दर्शाता है। एक अबरार भाई का ताजिया और एक नया ताजिया, नए कारीगर गुना के आए हुए हैं, वो भी मुख्तार भाई, वो भी यह ताजिया लेकर। छोटे भाई, छोटे पहलवान, सिपाही पूरा, मनसाराम दादा, मन्ना साइकिल वाले, तीसरा चिमू है ताजिए वाले, चौथे नंबर पे नारायण दादा खटीक, अबरार भाई ताजिए वाले, अन्नू भाई ताजिए वाले, असगर भाई टप्पर वाले, वो बंगले वाले, एक बंगले का ताजी कव्वाल साहब। शहीदान करबला की शहादत में ये ताजिए बनाए जाते हैं और करीबन जैसे हमारे यहाँ सिपाही पूरा पंचायत है, इसका भी इतिहास 200 साल पुराना है।
और मनसा राम सिंह जी के नाम से जो ताजिया बनता है, इसका भी इतिहास जो है 200 साल पुराना है और हमारे बुजुर्गों से ये परंपरा चली आ रही है और उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमारे यहाँ नारंगा धारी हैं और चुम्मू मियाँ हैं मेवाती बुरे से, इस तरह टप्पर वाले भी हैं, वो अभी ताजिए बाहर हैं लेकिन वो अभी थोड़ी देर बाद वो ताजिए भी आ जाएंगे। और एक अपराधिया का ताजिया है जो कि शायद मैं समझता हूँ कि हमारे इस एरिए के अंदर सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा खूबसूरत ताजिया खाड़े के अंदर ताजिया है कि जो पुराने उस्ताद लोग थे वो हुनर दे के गए थी लोगों को, अब वो अब आज के जो नौजवान पीढ़ी है वो उसके पाउच के अंदर खत्म हो रही है लेकिन अपनी एनर्जी को रोक के नहीं रख रही। अब जितने जो लोग हैं, जो लोग मतलब इसके फेवर में है, वो इसका थोड़ा बहुत जो भी जो परंपरा है उसको चालू रखे हुए हैं और हम लोगों की तो कोशिश है कि नौजवान लोग इससे जुड़े और अपने फन का लोगों के सामने प्रदर्शन करें। पहले तो मैं सीहोर के जिला प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने त्यौहार जो है बहुत अच्छे तरीके से मनवाए हमारे, और शहर की जनता को भी इस बात की दिली मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जो साथ हैं, और ये जो है हमारा शहर बरसों से भाईचारे का प्रतीक है। पूरे शहर में तीन तो यहाँ पर हैं और दो मार्केट में होंगे, पांच ताजिए इस वक्त मौजूद हैं और आगे कस्बे में भी हैं कुछ ताजिए जो वहीं मेहमान रहते हैं, वो ये छावनी के हैं ये ताजिए, और ये ताजिए जो है सरसों का है, बहुत बरसों से बनता वो भी चालू हो गया बन रहा है, और लगभग हमारे ज़िले में बिल्कुल अमन अमान से बन रहा है त्यौहार, और इस बात का दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं अखाड़े वालों की तरफ से।